अंकल जी 12 घंटे काम करते हैं यार पूरा, है मतलब 9 बजे से 9 बजे तक काम करते हैं अंकल, है ना। मेरे हाथ में क्यों दर्द आता है, डॉक्टर से बोला था मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बार बार। सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं यार आप लोग, मेरे बाल कैसे हो गए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग यार, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम हैं रामनगर, ठीक है, अभी हम रामनगर में हैं और गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है। तो शाम का वक्त है, 6 बजने वाले हैं और बहुत लोग हैं बाहर, ठीक है। तो देख के आते हैं क्या चल रहा है, क्या है विचार लोगों का, है ना, हमारे प्रति, आपके प्रति और हम सबके प्रति। अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है, बाहर ठंडा हो रहा है तो मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। यहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं और देखते हैं बाहर का माहौल कैसा हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ से निकलने का प्लान सीन क्या है, ठीक है। तो चलते हैं यार बाहर की तरफ को और देखते हैं फिर, है ना। ओहो पॉलिटिक्स चल रही है भाई बाहर, तो बहुत गंदी वाली। सही है सही है, चलते हैं यार थोड़ा आगे घूम के आते हैं और देखते हैं ना कैसा रहेगा हमारा सीन। यहाँ पर एक अंकल मिले, हेलो अंकल, हेलो कैसे हैं आप, कैसे हैं अंकल, कैसे हैं, बढ़िया हैं, कैसे कहाँ रहते हैं आप, पूछड़ी जी, पूछड़ी 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 रहते हैं आप, अभी यहाँ पर काम वाम करते होंगे, क्या नाम है आपका, मोहम्मद अस्फार, मोहम्मद अस्फार। तो यार अभी हमें एक अंकल मिल चुके हैं, ठीक है, ये अभी जा रहे थे हमने इनको पकड़ लिया। अंकल का नाम क्या है, अस्फार, अस्फार। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं किसको वोट करेंगे आप, मतलब साफ साफ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ करके, हाँ भैया मैं बीजेपी से हूँ, भाजपा से हूँ, ठीक है, तो आप मुझे वैसे ही बता दो, मतलब किसको वोट करेंगे, आपका मन किसको करता है वोट देने का, ये बताइए दिल से। किसी को भी दे देते हैं, किसी को भी, ऐसे कैसे दे देते हैं आप किसी को भी, जब होगा तो दे ही देते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे देते हैं, बीजेपी को भी दे देते हैं, दे देते हैं, मतलब आपको कौन सा, कौन अच्छा लगता है बीजेपी में, कौन सब अच्छे ही हैं, मोदी जी सही हैं, वाह सही है। मोदी जी क्या क्या, आपका क्या क्या फायदा हुआ, हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, नुकसान से अलावा, नुकसान के अलावा कोई फायदा हुआ, लेकिन मोदी अच्छे है, चलिए कोई बात नहीं। और कौन है, राहुल गांधी जी, आप तो बहुत पहले से जानते होंगे उनको, राहुल गांधी जी कैसे लगे आपको, वो सही है, सही है वो भी, चलिए मतलब सब सही है आपके हिसाब से, मतलब कोई ऐसा खास जिसने आपकी बहुत हेल्प करी हो, हमारे तो कोई हेल्प ही नहीं करी, किसी ने, किसी ने हेल्प नहीं करी यार, देखो भाई बहुत गलत बात है यार ये तो, है ना। अंकल जी अभी कहाँ जा रहे थे आप, अब तो काम पे जा रहे हैं, काम पे इस टाइम, काम पे, और 8:30 बजे छुट्टी होगी, मतलब इस टाइम आप जाते हो तो 2 घंटे, कितने 2 घंटे 1.5 घंटे काम करते हो, नहीं सुबह तो? से 9 बजे तक, हाँ करते हैं सुबह 9 बजे से 9 बजे तक, और कितनी आपको कितनी सैलरी मिलती है, सैलरी वैली क्या है, बस ऐसे ही है बस। अरे बताइए तो सही, मतलब कैसे मिल, कितना देते हैं, मतलब 12 घंटे काम करते हैं पूरा, 12 घंटे अंकल जी 12 घंटे काम करते हैं पूरा, है मतलब 9 बजे से 9 बजे तक काम करते हैं अंकल, है ना, तो कितना मिल जाता है आपको, 7-8 हज़ार रुपये, मतलब महीने के साथ 7-8 हज़ार रुपये, तो एक दिन का कितना हुआ, अब ऐसे जोड़ लो 300-350 के आसपास, 300 भी नहीं पड़ते, 300 भी नहीं पड़ते यार, ये तो बहुत गलत बात है यार, अब इतना लेबर मजदूर आदमी। अंकल आप मेरा नंबर लो, ठीक है, मतलब लेबर का ही काम कर दो और कोई काम नहीं कर दो, चलो मैं आपको नंबर लो, आपको हम अच्छी तरह लगवाएंगे, ठीक है, आप मेरा नंबर ले लेना, मैं आपको भी नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो यार ये तो बहुत गलत बात है यार, 300 रुपये से भी कम बंदा कमा रहा है एक दिन में और 6-6 बच्चे पाल रहे हैं, तो ये तो सोचना चाहिए यार किसी को, है ना। चलिए अंकल हम आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे, ठीक है, नंबर ले लो आप मेरा, देखना, हाँ मेरे पास आ गया, कॉल आ गया, ठीक है ठीक है, ये आपके नंबर है ना अंकल, चलिए अंकल मिलते हैं ना, करवाते हैं आपका अच्छी जगह, ठीक है, चलो बाय कर दो एक बार, बाय कर दो, ऐसे डाटा कर दो, चलिए बाय। तो अभी हमको एक भाई मिले हैं, ठीक है, एक भैया मिले हैं, हम उनसे विचार आदान प्रदान करते हैं। क्या नाम हुआ आपका, राजेंद्र कुमार जी नाम हुआ, आप क्या करते हैं भाई, मैं पेंट का काम करता हूं। अच्छा पेंटर हैं, बढ़िया यार, चलो और सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। और अभी रामनगर में चल रहा है काम, चलिए रामनगर में चल रहा है काम, तो अभी छुट्टी हो गई होगी आपकी, और बताइए सब बढ़िया हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये जो पूछ रहा था, अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है हमारे वहाँ, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप किसको वोट करेंगे, मतलब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है करके, मैं इस पार्टी से हूँ, उस पार्टी में से हूँ, मैं किसी पार्टी में से नहीं हूँ, मैं आपसे सिंपल नॉर्मली एक जैसे आम आदमी पूछता है, तो आप किसको वोट करें, मतलब आप किससे संतुष्ट हैं या फिर किससे सेटिस्फाई हैं करके, हाँ भैया मैं इस पार्टी को वोट दूंगा। चुनाव बहुत दूर है, अभी चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन एक मन में वो आता है ना करके, भैया मैं तो इसको ही दूंगा, अभी मन नहीं बनाया। अंकल जी नमस्ते, आइए अंकल जी आइए, अभी चुनाव बहुत दूर है। अंकल जी आए हैं एक हमारे, ठीक है, अंकल जी हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठंडा लग रहा है अंकल जी को बहुत। तो एक भैया और आए हमारे, ये भैया, भैया क्या नाम हुआ आपका, प्रमोद कुमार है इनका नाम, आपका नाम क्या अंकल जी, साजिद हुसैन। तो मैं इनसे ये पूछ रहा था करके यार, जो अभी इलेक्शन चल रहा है, मैं खैर किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक आप लोगों की तरह नॉर्मल बंदा हूँ और कॉलेज पे पढ़ाई करता हूँ, तो मैं आपसे यही पूछ रहा था यार करके, अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप किसको वोट करेंगे, सिंपल नॉर्मल सा, मतलब आपको किस, मतलब ऐसा लगता है ना करके, भैया इसने ऐसा कराया तो मैं इसको वोट दूंगा, तो सही काम करेगा या कर रहा है उसी को देना पड़ेगा वोट, जो आदमी सही काम करेगा, मतलब आपका विचार क्या है, मतलब किसको देने का विचार है आपका वोट,
अभी तक तो ये देखिए बता रहा वो नहीं, मैं समझिए करके भैया बता, मैं दूंगा इसको बता इसको रहा हूँ, सिंपल नॉर्मल बता दीजिए, हाँ भैया बीजेपी ने हमारा इतना काम करा तो हम तो देंगे, या फिर कांग्रेस ने हमारा इतना काम करा हम तो इतना देंगे, मतलब आपको जिससे फ़ायदा हुआ है वो चीज़ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, है कि नहीं? आपका नाम भूल गया मैं, राजेंद्र जी बताइए आप तो किसको, मतलब राजेंद्र जी तो अभी सोचा ही नहीं है यार, अभी राजेंद्र जी पहले सोचेंगे फिर हमको बताएंगे, अंकल जी बताएंगे, लेकिन अंकल जी बताइए बीजेपी को वोट दिया था पिछले, इससे पहले जो जीती थी पार्टी वो बीजेपी थी और उनको ही इन्होंने वोट दिया था। चलिए अच्छी बात है, और देखते हैं माहौल क्या बनता है। हाथ में क्यों दर्द आता है? डॉक्टर से बोला था मैंने, हाथ में दर्द हो रहा है बार बार। अंकल जी से बात हुई हमारी, अंकल जी बता रहे हैं करके बीजेपी को दी था अंकल, तो अब किसका विचार है देने का? तो ये अभी देखते हैं। अच्छा आप ये बताइए आप बीजेपी से खुश हैं या नहीं है? बीजेपी से तो खुश हैं, इसमें तो कोई दिक्कत, खुश हैं, चलो बढ़िया, मतलब सब चीज कोई, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप बताइए आप बीजेपी से खुश हैं? खुश हैं बीजेपी से, ये भी खुश हैं भाई, अंकल भी खुश हैं, ठीक है, तो ये खुश तो हम भी खुश, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा क्या लगा बीजेपी में? देखो हमने तो मजदूरी करनी है, मजदूरी करी है और करते ही रहेंगे। देखिए बात ये है कि पहली बार हमने बीजेपी की लहर देखी, जी जी वोट दे दिया, अब ये है कि इसने काम थोड़ा बहुत जैसे, यहाँ अंकल जी आए, अंकल जी से हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर, आइए अंकल जी, आइए आइए घर को आइए, अंकल जी से विचार लेंगे। नमस्कार अंकल जी। तो अंकल जी कोरोना को लेकर बहुत बहुत वो है, प्रोटेक्टिव है ना, तो अंकल जी ने मास्क पहना बहुत अच्छी बात है, हमने नहीं पहना ये गलत बात है ना। तो अंकल जी मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं हमारे, ठीक है, आप सबको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, अभी बीच में आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ यार करके, मतलब किस पार्टी से आप बहुत वो हुए, इम्प्रेस हुए, मतलब भैया इस बंदे ने इतना काम करा, उस बंदे ने इतना काम करा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ, ठीक है, मैं भी ऐसी पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मैं नहीं जानता कांग्रेस कौन है बीजेपी कौन है, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का, तो आप मुझे बताएंगे मतलब आपके दिल में क्या है, किसके लिए प्रेम है ज़्यादा? भाई हमें तो मोदी जी के लिए यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, बस बात ख़त्म, उन्होंने बोल दिया मोदी जी के लिए, तो बात ख़त्म, वो अपनी बात करके चले गए। चलिए फिर अंकल, साजिद अंकल से हमें बहुत अच्छा लगा मिल गया, साजिद अंकल बाय कर दो एक बार, बाय, चलो आप बताइए भैया आपका हो गया मन, किसको किसका मन बना? बना लेंगे अभी तक इनका मन ही नहीं बना है यार, कब बनाओगे मन? मन बनाओ है, कैंडिडेट के ऊपर बात होती है। तो यहाँ से रामनगर से कौन है? बीजेपी से तो दीवान सिंह, दीवान सिंह बिष्ट जी हैं, और कांग्रेस से हैं महेंद्र पाल जी हैं। चले फिर यार भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है भैया, जल्दी से सोचेंगे और जल्दी हमें बताएंगे करके भैया किसको वोट करेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं यार भाई साहब, है ना, चलो थैंक यू सो मच यार। सो भाई बहुत अच्छा लगा यार बात करके, है ना, हमको अभी हम पार्किंग में हैं और पार्किंग में ही बैठे हुए हैं, मतलब बोनट पे बैठे हैं गाड़ी के, ठीक है, ये बहुत हॉट हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, तो बेहतर इसी में ही है करके हम यहाँ से उठ जाएं और खड़े हो जाएं, है ना। तो यार अभी मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ अकेले, सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ पी लूँ, भूख लग रही है क्योंकि, है ना, तो देखते हैं लेट्स सी है कैसा रहेगा, या कोई और मिल जाए हमें चलता फिरता मुसाफिर तो हम उससे बात कर लेंगे, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है उसकी, हम दिक्कत भी क्या लें, कितनी देर लगा दी तुमने, है बताओ। सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है, इनका कहने का मतलब है सबर करना चाहिए, सबर करना चाहिए, अभी सफर करना चाहिए, सब्र करो, सब्र करो। तो अभी सोनू भाई रुके हुए हैं यहाँ पर, इनको लेना है जूता और ये मेरे किसी के जूता मारेंगे, तो तुम जा रहे हो शूज लेने? सोनू भाई को हम शूज दिलाते हैं, है ना, हम नहीं दिलाएंगे, वो अपने पैसों से खुद लेंगे, लेकिन हमारी चॉइस होगी वो, ठीक है, बिल्कुल। चलो चले फिर, चले चलो। अच्छा अंदर लेडीज़ बैठी हुई हैं, दिक्कत इस बार काफ़ी लेडीज़ हैं अंदर, बहुत लेडीज़ हैं, तो अंदर जो है छेड़ सकते हैं किसी को, ये किसी को छेड़ सकते हैं अंदर जाके, तो इसलिए बेहतर है यहीं बैठे रहो, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। सोनू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं करके आप उनके विचारों का आदर करें। सोनू भाई बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप, कैमरे को देखकर बोलिए और ये लाइट खोलिए सबसे पहले, तो अब बताइए, बताइए सोनू भाई आपके विचार क्या हैं हमारे प्रति, हम सबके प्रति, ये तो घूरे जा रहे हैं। अरे भाई साहब अब देखो, अब सिंपल सा फंडा, एक काम करूँगा ना मैं भाई, जो रास्ते में मिल गया उससे पकड़ लूँगा मैं, अब गाड़ी में बैठे बैठे, ठीक है, अब हिम्मत जवाब दे रही है, पहले मेरे जोड़ों में दर्द हो गया, मैं साइकिल नहीं चला पा रहा हूँ, अब मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं गाड़ी में ही घूमूंगा, ठीक है। तो यार धीरे धीरे यार ये पता नहीं बुढ़ापा नज़दीक आ रहा है मेरा, तो सोनू भाई गए अपने लिए शूज़ देखने, ठीक है, दिमाग खा दिया भाई साहब ऑटो वाले ने, तो जान दो मैंने। तो गाइस अभी हम बैठे हैं गाड़ी में और बाहर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर साइड में स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ खाने पीने का देखते हैं आइटम क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो चलते हैं फिर देखते हैं क्या है खाने का और क्या नहीं, देखते हैं फिर, है ना गाइस, बहुत ठंडा हो रहा है बाहर, बाहर हो रहा है बहुत ठंडा,
हकीकत में बहुत ही ठंडा हो रहा है बाहर तो। सो गाइस कैसा लगा आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग यार? अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच यार, ठीक है, आपका सपोर्ट के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।